कैसे हो आप सभी, होप कि सब बढ़िया होंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम बनाएंगे कुछ इस प्रकार की न्यू स्टेटस वीडियो। तो गाइस अगर आप इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को मैंने काइन मास्टर ऐप से बनाया, तो आप भी बिल्कुल भी आसानी से बना सकते हो काइन मास्टर ऐप से। तो आपको काइन मास्टर डाउनलोड कर लेना सबसे पहले। अगर काइन मास्टर डाउनलोड करना चाहते हो आप मेरे वाला, तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। बहुत सारे बंदे ने मेरे को मैसेज किया तो मैंने उसको लिंक सेंड कर दिया, तो आप भी जाके मैसेज कर देना, लिंक सेंड कर दूंगा। ओके गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड लगे लगे जो दबा दीजिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कुछ इस प्रकार की यूनिक स्टेटस एडिटिंग आती रहती है। तो गाइस चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको काइन मास्टर में इस प्रकार से आ जाना है। काइन मास्टर में आने के बाद फिर आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ से इस बीच वाले साइज को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जाना है बैकग्राउंड पे, और वाइट कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। ओके, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका जो लेंथ इस प्रकार से बना देना अपने वीडियो के हिसाब से, जितना आप रखना चाहते हो इस प्रकार से आपको बना देना है। फिर आपको इसका जो विग्नेट है इसको ऑन कर देना है। तो इस प्रकार से ये विग्नेट ऑन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। अब गाइस इसको मतलब विग्नेट करने के बाद, ऑन करने के बाद, फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और सबसे पहले आपको जो इमेज को एडिट करना है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको एडिट करने के बाद इसका क्रॉप में जाना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्रॉप में जाना है, इसको ऑन करना है, इस पर क्लिक करना है, और इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसका जो फेदर रहेगा उस प्रकार से बढ़ा देना है। ओके, और इसको थोड़ा ऊपर से क्रॉप कर देना है ऊपर तक। ओके, इस प्रकार से क्रॉप करने के बाद यहाँ पे लगाना है, और इसको सही से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद इसका लेंथ इस प्रकार से एंटर कर देना है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इस प्रकार से आपको कर देना है। करने के बाद यहाँ पे लिखाना है 2 सेकंड के आसपास, उसके बाद कट लगाना है। एक कट लगाने के बाद क्या करना है, इसका जो ओवल इनेबल समझा के फ्लिकर कर देना है। फ्लिकर करने के बाद यहाँ पे एक आगे जाके कट लगा देना है, थोड़ा आगे जाके इस साइड से ट्रिम कर देना है। ओके, इस प्रकार से जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग देखते, इसी प्रकार सेम टू सेम आपको करना है। तो इस प्रकार से आपको सेम टू सेम कर देना है। तो इस प्रकार से करने के बाद गाइस आप लोग देखते इस प्रकार से ये हो चुका है। और गाइस फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और सबसे पहले येलो लाइट इफेक्ट को इस वीडियो में ऐड करना है। ओके, तो गाइस मैं उसको ऐड करता हूँ। इस प्रकार से ऐड करने के बाद फिर आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक कर देना है, और ब्लेंडिंग में जाकर स्क्रीन कर देना है। तो ये स्क्रीन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो गाइस। अब गाइस इसको ऐड करने के बाद फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और फिर से ये दूसरा इफेक्ट को ऐड करना है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मतलब एक फाइल करके होगा, वहाँ पे जाओगे तो आप डाउनलोड कर सकते हो। बस आपको क्रोम ब्राउजर यूज करना है तो आप आराम से डाउनलोड कर पाओगे। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे इस प्रकार से इसको ऐड कर लेना है। ओ सॉरी गाइस, मैंने दूसरा ऐड कर लिया, मैं उसको ऐड करता हूँ। तो गाइस कुछ इस प्रकार की इफेक्ट है, फिर आपको इस प्रकार इसका साइज फुल कर देना, और ब्लेंडिंग में जाकर स्क्रीन कर देना। ओके, तो गाइस ये स्क्रीन हो चुका है, इसमें इफेक्ट भी ऐड हो चुका है, आप लोग देख सकते हो गाइस। तो गाइस अब आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, जो भी आपका इमेज है अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है। आपका जो इमेज है उसका बैकग्राउंड इरेज होना चाहिए, अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो को देख के सीख सकते हो। ओके, तो गाइस इस प्रकार से इसको एज करने के बाद इस प्रकार साइज बढ़ा देना है, और याद रखना है जो उसमें जो ऊपर जो फेस है मतलब जो फोटो है उसके फेस पर आपका फोटो नहीं जाना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से आप सही से एडजस्ट करना, आप लोग देखते इस प्रकार से अपनी इमेज को मतलब साइज रखना, थोड़ा छोटा ही रखना, इस प्रकार से नीचे साइड रखना। ओके, तो इस प्रकार से आपको रखना है, तो मैं इस प्रकार रख लेता हूँ, इस प्रकार से आपको रखना है। ओके, तो गाइस फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, ऑडियो लाइफ फेड को इसमें एड करना है, दूसरा इफेक्ट है। तो गाइस इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसको एड करने के बाद इस प्रकार से पहले रोटेट करना है, साइज को इस प्रकार से फुल कर देना है, और ब्लेंडिंग में जाकर स्क्रीन कर देना है। तो गाइस ये स्क्रीन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और ये इमेज को एड करना है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस मैं वो वाली इमेज को एड करता हूँ। तो गाइस ये एक इमेज पीएनजी, आप लोग देखते हो, इसका ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन इस प्रकार से कर देना है, और इस प्रकार से इसका लेंथ एंटर कर देना है। ओके गाइस, और लेंथ एंटर करने के बाद इस प्रकार साइज को बढ़ा देना है, और इस प्रकार से नीचे ले करना है, और इसको सही से एडजस्ट कर देना है। तो इस प्रकार से सही से एडजस्ट हो चुका है, आप लोग देखते हो, इस प्रकार से आपको कर देना है, और देखने में कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रही है अभी, आप लोग देख सकते हो। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें शेयर आइकन पे क्लिक करना है, और ये वीडियो को सपोर्ट करना है अपनी क्वालिटी को सिलेक्ट करके। ओके गाइस, तो गाइस जैसे वीडियो सपोर्ट हो जाता है तो हमारा वीडियो अब 2 पार्ट में बन जाएगा, तो अगला पार्ट मैं अभी आपको बताऊंगा। तो गाइस हमारा वीडियो सपोर्ट हो चुका है, आप लोग देखते हो इस प्रकार से। इसको इस प्रकार से सपोर्ट करने के बाद आपको इस प्रकार से काइन मास्टर में बैक आ जाना है, फिर आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है, इस प्रकार से विजुअल साइज को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है, और सॉरी सेटिंग में जाकर एडिटिंग में जाकर फिर स्क्रीन कर देना है। फिर आपको मीडिया पर क्लिक करना है, और ये इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इस ये इमेज को ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद आपको जाना है क्लिप ग्राफिक्स में, और आप गेट मोड पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से अपने इंटरनेट को ऑन कर लेना आप, और जैसे आप इंटरनेट को ऑन करोगे थोड़ा वेट करके आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ से आप
आराम से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, तो अगर आप डाउनलोड करना नहीं जानते हो तो हमें मतलब पिछले वाले वीडियो को देख सकते हो। तो ये वाला मैं यूज़ करूँगा जिसका नाम है स्पॉट लाइटर। इस प्रकार से इसको एड कर लेना, आपको गेट मोड पर क्लिक करके डाउनलोड करके, या तो नहीं भी एड करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको लेयर पर क्लिक करना है और उसके बाद मीडिया क्लिक करना है, जो वीडियो आपने स्पॉट किया था उसको यहाँ पर एड करना है। अब बस एड करने वाले इस प्रकार से आपको एड कर लेना है। फिर आपको इसमें जाना है और इसमें ट्रांसन आप गेट मोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो बहुत सारा, और इसको इसके बारे में मैंने बता रखा है बहुत सारे वीडियोस में, तो आप जाके देख सकते हो। यार मैं कितना वीडियो में बताऊंगा आपको डाउनलोड करने के लिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है ढूंढ के, और जो भी आपको अच्छा लगता है उसको यहाँ से एड कर लेना है। जैसे मैं ये एड करूँगा और ये मेरा वीडियो में जो था डेमो वीडियो में यही हुआ था। ओके, इस प्रकार से एड करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा आगे जाना है और यहाँ से इस प्रकार से कट लगा देना है। कट लगाने के बाद इसका लेंथ थोड़ा बढ़ा देना है और यहाँ से इसमें ट्रांसन एड करना है जिसका नाम है सेकिट। तो इस प्रकार से ओके, और इसमें आगे जाना है और यहाँ पे कट लगा देना है। कट लगाने के बाद फिर इसमें ट्रांसन एड करना है सेकिट। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस प्रकार से, आप लोग देख सकते हो। अब गाइस क्या करना है, इसका भी लेंथ रहेगा पूरा कम कर देना है, इसका भी लेंथ रहेगा पूरा कम कर देना है। अगर आप और भी ट्रांसन एड करना चाहते हो तो उसको भी एड कर सकते हो। आप अपनी वीडियो का लेंथ बढ़ाने के लिए इसको लेफ्ट साइड अब खींच करना तो ये वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको करना है। तो इस प्रकार से हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। सो गाइस फिर आपको ऑडियो क्लिक करना है, जो भी आपका ऑडियो उसको सेलेक्ट करना है। जो भी ऑडियो मैंने यूज़ किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो गाइस आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस वाला इमेज को मैं एड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ होगा हमारा इमेज, सॉरी गाइस ऑडियो। तो इस प्रकार से अपनी ऑडियो को यूज मतलब एड कर लेना है। तो गाइस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो है इस प्रकार से यहाँ पे आता है 7.2 सेकेंड पर जो हमारा मेन सॉन्ग है, तो आप देख लेना इसे मतलब कि 7.2 सेकेंड, और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 4.2 सेकेंड। तो यहाँ पे 3 सेकेंड उधर चला गया गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो 3 सेकेंड। तो इसको मैं इस साइड से ट्रिम कर देता हूँ और इसको शुरू में लगा देता हूँ। ओके, और अब क्या करना है, इस इमेज का लेंथ घटा के मतलब 3 सेकेंड से थोड़ा कम कर देना। ओके, तो आपका जो ऑडियो के हिसाब से आपका वीडियो बन जाएगा। ओके, तो गाइस वीडियो को इस प्रकार बनिए, मैं थोड़ा प्ले करके वो दिखा देता हूँ। तो गाइस देखने में कितना ज़्यादा वीडियो अमेजिंग लग रही है, आप लोग देख सकते हो। फिर आपको शेयर अन पे क्लिक करना है, अपने क्वालिटी को सिलेक्ट करके अपने वीडियो को सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस यही आज का वीडियो, होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।